another day another video. In this vlog you will be watching a road trip to Jwalaji and इस ट्रिप में मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई गूगल मैप्स की वजह से. मैंने ज्वाला जी डाला उस पर और वो ज्वाला देवी मंदिर ले गया हमें शिमला में, जो एक मंदिर है सेम नेम का. और मेरे को लगा कि यार ये तो शक्तिपीठ है, सब मंदिर है, शक्तिपीठ है और एक ही होगा. पर वो ले गया हमें शिमला डिस्ट्रिक्ट में. रास्ता भी सेम है ऑलमोस्ट, क्योंकि बस एक कट का ही फर्क है. और वहीं पे हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया शिमला के थ्रू और हम पूरा फिर हम शिमला पहुंच गए शाम में 7 बजे. 6 घंटे का ही रास्ता है ज्वाला जी का भी, 450 किलोमीटर है. और सेम शिमला का भी है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है. फिर वहाँ हम पहुंच गए शिमला, सोलन होते हुए शिमला में एंट्री ली और वहीं से यू टर्न लिया ज्वाला जी का. हमें 180 किलोमीटर फालतू पड़ गए, डांट पड़ते पड़ते बच गई. 180 किलोमीटर फालतू, 4 घंटे की ड्राइव और पड़ गई. 14 घंटे की हमारी टोटल रोड ट्रिप होगी फर्स्ट डे की, जो कि ज्वाला देवी मंदिर तक की थी. 14 घंटे हमने ड्राइव किया और वहाँ पे एक ही होटल है. कभी आप जाओ ज्वाला जी जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है और सुंदर भी है. एक ही होटल है किंग्स रेजेंसी और वो इकलौता 3-स्टार होटल है वहाँ पे, वरना बाकी होटल्स हैं ओयो रूम्स भी है, पर अच्छा वही है. और वहाँ से बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ से ज्वाला जी सिर्फ 400-500 मीटर्स की दूरी पर ही है. आप पैदल ही जस्ट होटल से एग्जिट लो और सीधा ज्वाला जी की चढ़ाई थोड़ी सी है, वो वहाँ चढ़ाई करके सीधा मंदिर चले जाओ. नाउ लेट मी जस्ट शो यू द सिनेमैटिक ऑफ द रूट एंड ऑफ द टेम्पल इट्सेल्फ, सो जस्ट एंजॉय द व्यूज. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. And next day, हम सीधा चले गए अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने, वो भी सुच्चे मुंह पूरी फैमिली. सुबह सुबह हमने चले गए थे 8 बजे अराउंड, सुबह 7-8 बजे हमने दर्शन किए. और लेट मी जस्ट शो यू द व्यू एंड सिनेमैटिक शॉट दैट आई शॉट देयर एंड विल गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर दिस. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that. So this is the surroundings of the temple. And ये temple कम से कम 1000 साल पुराना है. यहाँ पे सती माता की टंग गिरी थी, उसके बाद ये जागरूक शक्ति पीठ बना था ज्वाला जी. इसको पांडवों ने भी रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था बाद में. और यहाँ पे अकबर ने भी कोशिश की थी इसको, इनकी यहाँ की फ्लेम्स बुझाने की, ऐसा बोलते हैं. और लिखा ये स्टोरी है अकबर की कि यहाँ पे उसने के बोलते पानी रिवर पूरी डाइवर्ट करवा दी थी इसके ऊपर से, तो भी ये फ्लेम्स बुझी नहीं थी. और यहाँ पे जो फ्लेम्स है वो कभी बुझती नहीं है वो. और जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने भी ट्राई किया था, उनको लगता था यहाँ पे सिर्फ गैस प्लांट है या फिर गैस नेचुरल गैस हब है. और इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च टीम की थी 90s, 80s या 1990s में. वो रिसर्च टीम ने
इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसर्च करवाया था कि यहाँ पे गैस हब है या फिर कोई क्या कहते हैं वॉलकैनो है या फिर यहाँ पे पेट्रोलियम गैसेस है जो, और वो रिसर्च टीम का फिर कंक्लूजन यही निकला था, यहाँ कुछ नहीं मिला उन्हें। 1980s या 1990s की ये बात है, कुछ नहीं मिला। उसके बाद से सारी रिसर्च बंद हो गई और कुछ प्रूफ नहीं हो पाया है। और यही है कि ये सिर्फ ज्वालाजी का ही चमत्कार कह लो या सीक्रेट प्लेस है। और हाँ, अकबर ने छत्र भी दिया था जब उसको वो हार मान ली थी, उसने गोल्ड का छत्र बनवा के लाया था पूरी, और वो छत्र एज अ ईगोइस्टिक वे में वो दे रहा था। तो ऐसा बोला जाता है जब उससे वो छत्र जब वो चढ़ा रहा था वो उससे गिर गया, और छत्र गिराते ही वो मेटल में कन्वर्ट हो गया, और वो मेटल कोई बता नहीं सकता कि वो कौन सा मेटल है, कोई सिग्निफिकेंट मेटल नहीं है। और अभी आप देखोगे जब वो छत्र, तो उसमें छेद भी होंगे क्योंकि वो मेटल पीसेस निकाल के रिसर्च सेंटर गए थे, तो वो मेटल ना पीतल है ना तांबा है ना कुछ है, वो कोई मेटल मिक्स्ड ही है, उसका नाम नहीं दे पाया कोई भी। तो इसे चमत्कार कह लो या फिर कुछ कह लो, अपनी अपनी चीज़ है। तो दिस थिंग आर देयर इन लाइफ एंड ये होती हैं, गॉड इज़ देयर। लेट मी जस्ट शो यू द छत्र नाउ।